जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर बारिश और तेज हवाओं चलने की संभावना, वो अनुमान मौसम विभाग का आज सुबह सच साबित हो रहा है। देखिए किस तरीके से आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया और हवा की रफ्तार भी तेज पकड़ रही है। इस समय हवा की रफ्तार मेरठ में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं मौसम में इस तब्दीली के चलते तापमान में भी काफी अंतर आया है। मौसम इस समय मेरठ का अधिकतम तापमान जहां 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं न्यूनतम तापमान भी इस समय 15 डिग्री तक पहुंच चुका है। कल की अपेक्षा, गुरुवार की अपेक्षा अधिकतम तापमान में 4 डिग्री का अंतर, यानी 4 डिग्री की गिरावट, वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इस तरीके से चारों तरफ काले बादलों का डेरा, कहीं ना कहीं आज बारिश की आशंका 24 घंटे के अंदर अंदर गुरुवार को ही जताई गई थी। सूरज का कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, बादलों की आगोश में पूरी तरीके से छुपे हुए भगवान भास्कर। मौसम की ये तब्दीली, जहां एक ओर गर्मी से निजात दिलाने के लिए काफी है, वहीं इससे सेहत पर भी काफ़ी असर पड़ेगा लोगों के, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चों को ऐसे मौसम से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि अभी सुबह करीब 5 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है।